हाय ट्रेडर्स, आप सभी का द मोमेंटम ट्रेडर यूट्यूब चैनल में स्वागत है। ट्रेडर्स, आज हम पहले तो आपको एक अपडेट के बारे में बताएंगे और दूसरा आज एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, जो एक ऐसा मुद्दा है जो आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है और ख़ास करके जो लोग बिगिनर्स रहते हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत फेस करना पड़ता है, और वो चीज़ है कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। मतलब क्या मार्केट यहाँ से नीचे जा सकता है या फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जा सकता है। आप सभी लोग इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा कंसर्न रहते हैं और बहुत सारे वीडियोस देखते रहते हैं या फिर बहुत सारे आप एनालिसिस करते हैं। मैं आज आपको एक ऐसा इजी ट्रिक बताऊंगा जिससे आप बहुत ही इजीली खुद ब खुद, मतलब किसी के एनालिसिस की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, खुद ब खुद आप जज कर पाएंगे कि मार्केट में आगे क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मैंने जो पहले ही आपको बताया कि अपडेट के बारे में, तो बहुत सारे कमेंट आया था कि मुझे जो स्टॉक्स है इनको थोड़ा सा आप जो पेनी स्टॉक्स है उनको फिल्टर कर दीजिए। तो देखिए, मैं हर एक स्टॉक्स में मेरा जितने भी स्कैनर्स मैंने आपको दिए हैं उनमें हर एक में मैं एक एडिशनल कंडीशन ऐड कर दूंगा, जो है ये वाला कंडीशन। ठीक है, ये कंडीशन आपको सभी स्कैनर्स में मिलेंगे और इसमें क्या लिखा है, लेटेस्ट क्लोज ग्रेटर देन इक्वल टू नंबर वन। मतलब आपके जो स्टॉक के, मतलब इनमें उन्हीं स्टॉक्स को फिल्टर किए जाए जिनके क्लोजिंग प्राइस एक रुपए से ज्यादा है या फिर इक्वल है। तो अब इसको आप अपने हिसाब से मॉडिफाई कर लीजिएगा। कैसे कि समझे, मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जिन्हें 200 रुपए के ऊपर वाले स्टॉक चाहिए। तो आप क्या करेंगे, आप ये जो नंबर का एरिया है, देखिए यहाँ पे मैं जैसे ही कर्सर ले जाता हूँ ये एरो से एक हैंड की तरह बन जाता है, आप इस पे क्लिक कीजिए और इनको चेंज करके 200 कर लीजिए। ठीक है, और छोड़ दीजिए और रन स्कैन पे क्लिक कर दीजिए। इसी तरीके से आप अपने हिसाब से, मतलब जिस लेवल के ऊपर की स्टॉक्स आप देखना चाहते हैं, 50 हो, 100 हो, 200 हो, 400 हो, जितने भी लेवल के ऊपर आप देखना चाहते हैं, उन्हीं स्टॉक्स को अगर फिल्टर आपको करना है तो आप सिर्फ इसमें उन नंबर्स को फिल कीजिए। सिर्फ यहाँ पे आपको नंबर को अपने हिसाब से फिल करना पड़ेगा। मैं इसको बाय डिफॉल्ट एक रुपए करके रख दूंगा। ठीक है, एक रुपए करके रख दूंगा जिससे कि किसी को कोई दिक्कत ना हो। और अगर आप इस फिल्टर को यूज नहीं करना चाहते, मतलब जो है जैसा है वैसा ही रहना देना चाहते, तो यहाँ पे देखिए ये जो क्रॉस है इसके बगल में एक बटन मिलेगा आपको जिसमें ग्रीन दिख रहा है। ठीक है, इस बटन को आप क्या कर लीजिएगा, इसको ऐसे करके अनटिक कर दीजिएगा। तो इससे क्या होगा, ये स्कैन तो रन करेंगे लेकिन ये जो कंडीशन है इस पे एप्लीकेबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये कंडीशन ऑफ हो जाएंगे और अगर आपको फिर से ऑन करना है तो सिर्फ इस बटन को क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, तो मैं अभी इसको ऑफ रखता हूँ और आता हूँ हम लोगों के जो भी बात हम कर रहे थे कि कैसे हम मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। बहुत ही इजीली, बहुत ही इजी तरीका है। तो देखिए, उससे पहले मैं एक चीज बताना चाहूंगा कि ये जो निफ्टी है, यहाँ पे मैंने निफ्टी का वीकली चार्ट लिया हुआ है। ये जो निफ्टी है, ये निफ्टी बनता किससे है, ये निफ्टी बनता है इसके अंदर के जो 50 स्टॉक्स है उनके क्यूमुलेटिव वैल्यूज से निफ्टी बनते हैं, और उनमें जैसा जैसा मूवमेंट आता है निफ्टी में वही चीज रिफ्लेक्ट होता रहता है। ठीक है, अगर उनमें सभी में फॉल हमें दिखता है तो निफ्टी में भी फॉल हमें दिख रहा है। अगर उनमें ग्रोथ दिख रहा है तो उनके क्यूमुलेटिव करने के बाद अगर ओवरऑल ग्रोथ आता है तो निफ्टी में भी हमें ग्रोथ दिखता है। तो ये कुछ बहुत ही बेसिक चीज है और इसी तरीके से मार्केट में चल रहा है, मार्केट चल रहा है। तो अगर मेरे को दिख रहा है कि निफ्टी ऊपर की तरफ जा रहा है, मतलब इनके अंदर जितने भी स्टॉक्स है शायद वो सभी या फिर कभी ना कभी, मतलब एक होराइजन में कभी ना कभी ये ऊपर की तरफ चल रहे हैं। अगर मुझे दिख रहा है कि निफ्टी अभी इस जगह में नीचे की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं इसके अंदर जितने भी 50 स्टॉक्स है वो नीचे की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं। अगर हम इस सिनारियो को समझ ले और उसके बाद अगर हम स्कैन में आ जाए, ये हम लोगों का जो द मोमेंटम ट्रेडर वाला स्कैन था वही है मोमेंटम ट्रेडर स्कैन। आपने अगर मोमेंटम ट्रेडर स्कैन का वीडियो नहीं देखा है तो जाके चैनल में चेक कीजिए, आपको वीडियो मिल जाएगा। इस स्कैनर के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया था ऑलरेडी, तो इसको जाके चेक कीजिए। वहां पे आपको ये जगह कैश मिलेगा। मैं यहाँ पे निफ्टी 500 ले रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे आपको समझाना है कि कैसे आप मार्केट को प्रेडिक्ट कर सकते हैं, कैसे आप मार्केट को एनालाइज कर सकते हैं और
अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि अभी आने वाले टाइम में मार्केट में क्या होगा, मार्केट ऊपर की तरफ जाएगा या फिर मार्केट नीचे की तरफ जाएगा, तो इसको आप इजीली फाइंड आउट कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जब भी मैं इसको रन स्कैन करूंगा 500 निफ्टी 500 के ऊपर अगर मैं रन स्कैन करता हूँ, क्योंकि निफ्टी 500 हम लोगों के सब मतलब ब्रॉडर इंडिसेस में से एक है, तो आप यहाँ पे एक अच्छा सिनारियो आपको दिख जाएगा कि ये जो समय था, इस समय में अगर आप देखेंगे तो लगभग 10 के ऊपर एवरेज स्टॉक्स आते थे डेली। ठीक है, ये जो स्कैन है इसको रन करने के बाद लगभग 10 के ऊपर एवरेज स्टॉक्स डेली आते थे। उसके बाद जो ये फरवरी से मार्च के शुरू का टाइम फ्रेम है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो देखिए यहाँ पे उससे भी ज्यादा स्टॉक्स आ रहे थे। मतलब हम ये सोच सकते हैं कि दिसंबर से जनवरी के बीच में मार्केट में जितना बुलिशनेस था उससे ज्यादा बुलिशनेस फरवरी से मार्च के बीच में मार्केट में था। अब अगर हम इसी इंटरप्रिटेशन को थोड़ा सा चार्ट में ले जाके देखें तो हमें क्या दिखेगा, मैं यहाँ पे सिर्फ निफ्टी 50 का ही चार्ट लेके दिखा हुआ हूँ आपको। तो देखिए फरवरी दिसंबर 2020 मतलब आपका है लगभग ये पीरियड, यहाँ पे ये देखिए दिसंबर 2020, और उसके बाद देखिए यहाँ पे आ जाता है आपका मार्च का स्टार्टिंग शायद, हाँ ये फरवरी 15 है, यहाँ पे मार्च ये जो कैंडल है इसमें आपका मार्च स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे इस जगह पे। तो दिसंबर से लेके देखिए मार्च तक मार्केट में एक अच्छा बुलिशनेस हमें दिख रहा था, और उसी के रिफ्लेक्शंस आपको यहाँ पे ये जो स्क्रीनर है इस पे दिख रहा है कि दिसंबर के बीच में, दिसंबर जनवरी के बीच में मार्केट में बुलिशनेस था, फरवरी से मार्च से पहले तक मार्केट में बुलिशनेस था। अब जैसे ही ये मार्च के बीच में आ गया मतलब मार्च 25-24, देखिए यहाँ पे स्टॉक्स कम आने लगे, मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बेयरिशनेस बना हुआ है। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे ये जो टाइम फ्रेम है, इस टाइम फ्रेम में मार्केट में बेयरिशनेस था। आप कुछ मत कीजिए, आप सिर्फ जाइए इस स्कैनर को, जो स्कैनर मैंने आपको दिया है ये जो स्कैनर है इसके बैकटेस्ट डेटा में जाइए, और उसके साथ साइड बाय साइड निफ्टी के जो चार्ट है इसको वीकली चार्ट कर लीजिएगा, आसान रहेगा, इसको डाल लीजिए और कंपेयर कीजिए, अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे कि यहाँ पे मार्केट में बहुत कम स्टॉक्स फिल्टर हो रहे थे और मुझे भी यहाँ पे फॉल दिख रहा था नीचे की तरफ मार्केट में। देखिए ये मार्च के महीने से ही स्टार्ट हो रहा है, ये जो फॉल है ये लगभग मार्च 27 फरवरी, देखिए नीचे डेट दिख जाएगा आपको, मार्च और मार्च के बाद अप्रैल के मिडिल तक ये साइडवेज टू लिटिल बिट करेक्टिव मार्केट में ये था। उसके बाद देखिए यहाँ पे जब जैसे स्टॉक्स आने लगे इस एरिया में हमें अच्छा स्टॉक्स दिखने को मिले आने के लिए बाय के लिए, ठीक है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे जून जुलाई के महीने में, जुलाई के एकदम बिगनिंग के फेज में यहाँ पे 6 जुलाई डेट दिख रहा है, तो मतलब ये जून से लेके जुलाई के बीच में स्टॉक्स थोड़े थोड़े करके कम हो गए, मतलब यहाँ पे कहीं ना कहीं मार्केट में प्रेशर बना हुआ था। और अगर आप देखेंगे तो निफ्टी यही जून जुलाई के महीने के बीच में, यहाँ पे देखिए ये जुलाई है, इससे पहले जून है, तो इसके बीच में निफ्टी लगभग साइडवेज चल रहा था, तो निफ्टी साइडवेज चल रहा था और उसके साथ साथ हम लोगों के जो स्कैन में स्टॉक्स भी कम आ रहे थे, मतलब हमें थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए था। उसके बाद देखिए और बहुत सारे स्टॉक्स आ गए, अभी रिसेंटली यहाँ पे देखिए अगस्त के जो स्टार्टिंग के फेज है यहाँ पे देखिए कम स्टॉक्स आ रहे हैं, मतलब कहीं ना कहीं या तो मार्केट थोड़ा बहुत साइडवेज रह सकता है या फिर कहीं ना कहीं एक करेक्शन हमें अभी के लिए दिख सकता है। तो इससे आप बहुत इजिली फिल्टर कर पाएंगे, कोई भी आपको मतलब किसी की भी आपको किसी से क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा या फिर किसी से जानना नहीं पड़ेगा कि मार्केट में आगे क्या होने वाला है। आप सिर्फ यहाँ पे कितने स्टॉक्स फिल्टर हो रहे हैं उसको देखिए और मार्केट को देखिए, पहले बैक टेस्ट करके देखिए, आपको बहुत इजीली मालूम पड़ जाएगा कि मैं इसको 2 ईयर्स में कर लेता हूँ तो और भी अच्छे तरह से आप समझ पाएंगे, तो आप बहुत अच्छे तरीके से समझ पाएंगे कि मार्केट में क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे देखिए मैं आपको ये जगह दिखाना चाहूंगा, ये जो गैप आपको यहाँ पे गैप दिख रहा है, बहुत सारा गैप है यहाँ पे, ये आपको मालूम है कोविड के पहले का मतलब कोविड के जो टाइम है वहां पे है। अब देखिए मार्केट में फॉल कब से आया, ये देखिए 26 फरवरी का डेटा है, और 26 फरवरी में भी अगर आप देखेंगे लगभग 4-5 ही स्टॉक शायद होंगे या फिर 2-3 स्टॉक्स होंगे, और 26 फरवरी अगर आप देखेंगे वो आपके इस लेवल पे आएंगे, ये है 24-26 फरवरी। ठीक है, और ये 26 फरवरी में भी स्टॉक्स आपके घट गए थे, और उससे पहले सिर्फ जनवरी में ही आपको
लगभग 10 के आसपास स्टॉक्स दिख रहे थे। हालांकि इससे पहले आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे थे, तो मतलब ये दिसंबर टू जनवरी में आपको बहुत सारे स्टॉक्स दिखे, उसके बाद स्टॉक्स दिखना कम हो गया। तो आपको इसी जगह में कॉशस होना चाहिए था कि हाँ मार्केट में मुझे स्टॉक्स कम दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ पे या तो पोजीशन बनाना बंद कर दूं, या फिर अगर पोजीशन बनाता हूँ तो मेरे पास अगर मैं अगर 100 स्टॉक्स लेने का क्षमता रखता हूँ तो सिर्फ 10 लूँ या फिर 25 लूँ, मतलब पोजीशन साइज को थोड़ा सा घटा लूँ, ठीक है। तो अगर इस तरह से आप काम करते तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान झेलना नहीं पड़ेगा अगर मार्केट किसी कारण से नीचे की तरफ चला जाता है। और उसके बाद देखिए ये फेज में लगभग कोई स्टॉक्स आए ही नहीं, एक दो शायद बीच में यहाँ पे आया था या फिर यहाँ पे आया था, एक दो, लेकिन कोई आया ही नहीं। तो मतलब इस रेंज तक मार्केट यहाँ पे साइडवेज था या फिर डाउनवर्ड ट्रेंड में था या फिर बेयरिश था, आप कुछ भी इसको पकड़ सकते हैं। उसके बाद धीरे धीरे यहाँ पे एक दो करके स्टॉक्स आने लगा, ये लेवल में आपको जम दिखा, ठीक है। और ये जो लेवल में आपको जम दिखा ये लगभग कौन सा टाइम है, अगर आप देखेंगे इसको, ये आपके जून के महीने में जम दिखा। अब यहाँ पे देखिए चार्ट में जो मोमेंटम आपको दिखेगा ये जून के बाद, देखिए बहुत ज्यादा मोमेंटम आपको, ये देखिए ये है 1 जून, इसके बाद मार्केट में एक अच्छा खासा मोमेंटम था। आप सिर्फ और सिर्फ इस जो स्कैनर्स है, इस स्कैनर्स के जो रिजल्ट्स मिल रहे हैं इसको कंपेयर कीजिए अपने निफ्टी के या फिर कोई भी इंडिसेस है जो ब्रॉडर इंडिसेस है, जैसे निफ्टी 100 हो जाए या फिर निफ्टी 500 हो जाए, उनके साथ कंपेयर कीजिए, तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि अगर कोई स्टॉक्स यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे रहा है, क्योंकि ये ब्रेकआउट को स्कैन कर रहा है ये स्टॉक, ये जो स्कैनर है ये क्योंकि ब्रेकआउट को स्कैन कर रहा है, तो यहाँ पे अगर कोई स्टॉक ब्रेकआउट नहीं दे रहा है तो मतलब कहीं ना कहीं इंडिसेस में प्रॉब्लम चल रहा है, तभी ना ये स्टॉक ब्रेकआउट यहाँ पे नहीं दे पा रहा है। तो आपको सिर्फ और सिर्फ देखना है कि कितने स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर यहाँ पे अगर हम मैं देखूंगा तो मेरे एवरेज है लगभग 10 के ऊपर स्टॉक्स रहने ही चाहिए, तो जब भी 10 से कम हो जाएंगे मैं वहां पे कॉशस हो जाऊंगा कि मुझे अब यहाँ पे थोड़ा सा चेक करके चलना है कि मैं क्या करूं। जैसे यहाँ पे देखिए 10 से कम स्टॉक्स दिख रहे हैं अगस्त के बाद नवंबर से पहले, ठीक है, ये 2020 का है, सितंबर और ये इसके बीच में, अक्टूबर इसके बीच में, तो देखिए यहाँ पे ये जो टाइम फ्रेम है ये देखिए सितंबर अक्टूबर नवंबर का टाइम फ्रेम है, इसके बीच में मार्केट लगभग साइडवेज टू थोड़ा सा यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, यहाँ पे साइडवेज था, तो साइडवेज टू डाउन ट्रेंड फॉर्मेशन में था, तो यहाँ पे इसके रिफ्लेक्शन हमें स्टॉक्स में दिख रहे हैं कि स्टॉक्स आना घट गया है या फिर स्टॉक्स कम आ रहे हैं, तो मतलब मुझे थोड़ा सा कॉशस रहना चाहिए। हो सकता है यहाँ से मार्केट गिर जाए, हो सकता है मार्केट यहाँ पे साइडवेज मोमेंटम के बाद ऊपर की तरफ चले जाए, मैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं यहाँ पे कॉशस रहने की कोशिश करूंगा। तो जब भी आपको कहीं पे भी लगता है, किसी भी मोड़ पे आके अगर लगता है कि मुझे लग रहा है कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है या फिर फॉल हो सकता है, तो सिर्फ आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे आइए इस स्कैन को रन कीजिए, निफ्टी 500 पे ही रन कीजिए, क्योंकि कैश में करेंगे तो बहुत सारा स्टॉक्स आ जाएगा, तो आपको देखने में थोड़ा बहुत परेशानी हो सकता है, तो इसीलिए निफ्टी 500 में इसको रन कीजिए और नीचे जाके देखिए बैक टेस्टेड डेटा में आपको क्या डेटा मिल रहा है। क्या आपको दिख रहा है कि बहुत सारा स्टॉक्स आ रहा है, मतलब पिछले जो 3-4 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो क्या मुझे बहुत सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं या फिर कम दिख रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको 9 मंथ्स में मैंने लेके आ चुका हूँ, तो देखिए यहाँ पे पिछले 4-5 दिनों से मुझे कम स्टॉक्स दिख रहे हैं, लगभग 5 मतलब 10 तो नहीं दिख रहे हैं, 10 का मार्क इस लेवल पे है, मुझे 5 से 6 के बीच में या फिर 2-3 स्टॉक्स या फिर यहाँ पे 1 स्टॉक्स इस तरह से दिख रहे हैं। मतलब अभी ये जो जुलाई के एंड से अगस्त चल रहा है इस वक्त में मुझे स्टॉक्स दिखना कम हो चुका है, हालांकि मार्केट ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। देखिए मार्केट यहाँ पे आपके नए हाईज बना रहे हैं, लेकिन मेरे जो स्टॉक्स है वो फिल्टर होना घट गया है, मतलब कम स्टॉक्स फिल्टर हो रहा है, तो मैं इसको क्या इंटरप्रेट करूंगा, मैं इसको सिंपली यही इंटरप्रेट करूंगा, या तो मैं पोजीशन ना बनाऊं, या फिर अगर बनाऊं भी तो 10-20, मतलब अगर मेरे 100 बनाने की औकात है तो मैं 10 बनाऊंगा, 20 बनाऊंगा या फिर 25 बनाऊंगा, लेकिन इससे ज्यादा तो बनाऊंगा ही नहीं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर मैं गलत हो जाता हूँ कि मार्केट नहीं गिरा और ऊपर की तरफ चलने लगा, तो क्या होंगे मेरे जो बाकी 75 क्वांटिटी मैं ले सकता था उनमें प्रॉफिट नहीं आया, लेकिन मुझे कोई लॉस तो नहीं मिला। आपको पहले अपने लॉसेस ऑफ करने होंगे,
अब लॉसेस को आप ऑफ तो हमेशा नहीं कर पाएंगे, कुछ ना कुछ लॉस तो आपको देना ही पड़ेगा मार्केट को, लेकिन जितना हो सके कम करना होगा। अगर आप अपने लॉसेस को घटा पाएंगे तो प्रॉफिट आपको ऑटोमेटिकली दिखने को मिलेंगे। तो मुझे अगर मेरा ये व्यू गलत हो जाता है कि मार्केट यहाँ से करेक्ट हो सकता है, या मेरा व्यू है, तो मेरा ये व्यू अगर गलत होता है तो मुझे क्या होगा, मेरे जो 75 क्वांटिटी में एक्स्ट्रा लेता उनमें कुछ प्रॉफिट बन सकते थे, वो मेरे लिए नहीं बने, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं हुआ। लेकिन अगर मैं यहाँ पे अगर 100 क्वांटिटी उठाता हूँ और मार्केट यहाँ से समझे 500-1000 पॉइंट गिर जाता है, तो मुझे तो कुछ ना कुछ नुकसान देने पड़ेंगे ना। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कुछ मत कीजिए, किसी भी मतलब किसी भी चीज में मत जाइए, कुछ भी मत देखिए। सिर्फ और सिर्फ ये जो स्कैनर है, ये जो द मोमेंटम ट्रेडर स्कैनर है, या फिर जो भी स्कैनर्स मैंने दिए हैं, इंट्राडे स्कैनर्स को छोड़ के जो भी स्कैनर्स मैंने दिए हैं पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए, उनको सिर्फ एक बार रन कर लीजिए और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए मार्केट में क्या हो रहा है और आपके यहाँ पे कितने स्टॉक्स फिल्टर हो रहे हैं। ये चीजों को सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्व कीजिए। यहाँ पे घटा था, यहाँ पे जो भी स्टॉक्स फिल्टर हो रहे थे बहुत ही कम थे, मार्केट भी यहाँ पे मार्च के महीने में थोड़ा बहुत साइडवेज चला था। सिर्फ ऑब्जर्व करने से ही आपको मिल जाएगा कि आपको क्या करना चाहिए, आपको पोजीशंस बढ़ाने चाहिए या फिर पोजीशंस घटाने चाहिए। आप अगर इन चीजों को थोड़ा बहुत समझ लेंगे तो आपके लिए शायद ये हेल्पफुल रहेगा। इसीलिए मैंने कल मेरे जो टेलीग्राम चैनल है, आप भी चाहे तो चेक कर सकते हैं, वहां पे बताया था कि मेरा व्यू अभी के लिए थोड़ा बहुत बियरिश है, क्योंकि मेरा सिंपल कॉन्सेप्ट है, हालांकि मार्केट यहाँ पे हायर हाई बना रहा है, लेकिन मुझे यहाँ पे स्टॉक्स कम दिख रहे हैं, तो मेरा ये मानना है कि हो सकता है कहीं ना कहीं मार्केट नीचे की तरफ हो जाए। तो मैं अगर रॉन्ग होता भी हूँ तो मुझे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, मेरा कोई नुकसान तो नहीं होगा। अगर मैं हो सकता था कोई एक स्टॉक में पोजीशन बना था, कुछ प्रॉफिट बन सकता था, वो नहीं बनेंगे, लेकिन मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे जैसे पोर्टफोलियो है या फिर जैसा मेरा मतलब जो कैपिटल है वो इंटैक्ट रहेगा, ठीक है। तो इसीलिए इस तरीके से थोड़ा बहुत अगर चेक करेंगे तो आपको बहुत अच्छे तरीके से यही स्कैनर एक इंडिकेटर के तरह काम करता हुआ दिखेगा, ठीक है। तो ये स्कैनर को आप इंडिकेटर के तरह यूज कर पाएंगे और बहुत ही इजीली यूज करना है, कुछ तो करना नहीं है, सिर्फ ऑब्जर्व करना है कि क्या हुआ है और मार्केट में क्या हो रहा है, मेरे पास कितने स्टॉक है, मार्केट में कितने स्टॉक है, बस और कुछ नहीं करना है। इसको अच्छे तरह से समझिए, इसको पहले बैक टेस्ट कीजिए, अगर अच्छा लगता है तो इसको जरूर अपने ट्रेडिंग में अप्लाई करने की कोशिश कीजिएगा, अगर नहीं लगता है तो छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हुआ है तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में बताइएगा कि ये जो ऑब्जर्वेशन मैंने देखा ये आपको कैसा लगा और क्या आपने भी यही सेम ऑब्जर्वेशन किया था, ये भी जरूर हमें कमेंट में बताइएगा। और उसके साथ ये भी बताइएगा कि आपको अगले कौन से टॉपिक में वीडियो चाहिए, तो मैं उस पर भी जरूर लाने की कोशिश करूंगा। और उसके साथ अगर आप चाहे तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ये जो स्कैनर्स है, ये सभी स्कैनर्स के लिंक मेरे टेलीग्राम चैनल में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो आपको अगर ये स्कैनर लेना है तो आप टेलीग्राम चैनल में जाइए, वहां पे आपको स्कैनर का लिंक मिल जाएगा, आप उस लिंक को कॉपी करके यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए वीडियो इतने तक ही रखते हैं, आने वाले टाइम में मिलेंगे किसी और नए वीडियो के साथ, किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।